फैक्ट नंबर वन, इस दृश्य में आपको यूएस एयरवेज का ये विमान दिख रहा होगा और ये विमान देख के आपके भी होश उड़ गए होंगे। आजकल हवाई यात्रा बेहद सस्ती हो गई है और एरोप्लेन ने इंसान की जिंदगी बेहद आसान बना दी है, लेकिन जहां टेक्नोलॉजी है वहां खतरे भी हैं और एरोप्लेन को आज सबसे बड़ा खतरा है पक्षियों से। आसमान में अलग अलग साइज के कई सारे पक्षी उड़ते रहते हैं और नॉर्मली इन पक्षियों से विमानों को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर इनमें से कोई पक्षी विमान के इंजन में घुस जाए तो इंजन पूरी तरह से बंद हो सकता है, और अगर किस्मत बहुत खराब हो और दोनों ही इंजन पक्षियों द्वारा डैमेज कर दिए जाएं, तो प्लेन की वो हालत हो सकती है जो यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 की हुई थी। इस विमान में 150 से भी ज्यादा यात्री बैठे थे और ये विमान न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जा रहा था। इस विमान ने टेक ऑफ के बाद सिर्फ 7 किलोमीटर का ही रास्ता तय किया था और अचानक ही विमान कैनेडा गूस नामक उड़ते हुए बत्तखों से टकरा गया और इस प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। पायलट ने तुरंत प्लेन घुमाया और न्यूयॉर्क के हडसन नदी में इस प्लेन को कैसे न कैसे लैंड करवा दिया। पक्षियों द्वारा हुए इस हादसे में 100 लोग घायल हुए, जिसमें से 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई गई। ये हादसा फिर दुनिया भर में इतना फैल गया कि इस हादसे पर टॉम हैंक्स की सली मिरेकल ऑन द हडसन नामक फिल्म भी रिलीज कर दी गई। फैक्ट नंबर 2, एनिमल प्लैनेट और डिस्कवरी चैनल पर आपने एक से एक अजीबोगरीब दिखने वाले जानवर देखे होंगे और इन अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों में से एक जानवर सी क्यूकम्बर भी होगा। सी क्यूकम्बर के नाम में ही क्यूकम्बर है और ये जानवर एक क्यूकम्बर यानी ककड़ी की तरह दिखने वाला जानवर है। इस दुनिया में सी क्यूकम्बर के 1250 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं और ये स्पीशीज दुनिया भर के सारे समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां इंसान खाना अपने मुंह से खाता है, वहीं ये सी क्यूकम्बर्स अपने पैरों से खाना खाते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, सी क्यूकम्बर की बॉडी में कुछ इस प्रकार के दिखने वाले ट्यूब फीट होते हैं और इन ट्यूब फीट से वो भोजन खाते हैं। सी क्यूकम्बर्स इन ट्यूब फीट की मदद से एल्गी, छोटे एक्वेटिक जानवर और वेस्ट पार्टिकल्स खाके अपना पेट भरते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब सी क्यूकम्बर्स पर दूसरे जानवर हमला करने की कोशिश करते हैं तो ये अपनी बॉडी में से चिपकने वाले धागे रिलीज करने लगते हैं और इन धागों में चिपक कर उनका दुश्मन कैद हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपको हर साल अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतजार रहता होगा। आपके बर्थडे पर आपको कई सारे सरप्राइजेस, गिफ्ट्स और खूब सारा खाना भी नसीब होता होगा, लेकिन आपके बर्थडे की प्लानिंग और डेकोरेशंस करने वाले लोगों के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है, और खासकर गुब्बारे फुलाने वाले इंसान को तो सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक गुब्बारा फुलाने में ही इंसान की सांस फूलने लगती है और अगर पार्टी बड़ी हो तो ऑर्गेनाइजर को कई सारे गुब्बारों को फुलाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां इंसान को सिर्फ एक गुब्बारा फुलाने के लिए ही कई बार सांस छोड़नी पड़ती है, वहीं ब्लू व्हेल अपनी एक ही सांस से 2000 से भी ज्यादा गुब्बारे फुला सकती हैं। ब्लू व्हेल कुछ इस तरह का दिखने वाला जानवर होता है और ये जानवर दुनिया का सबसे विशाल जानवर भी माना जाता है। 1,00,000 किलो भारी और 100 फीट लंबी ब्लू व्हेल सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आ जाती हैं और सांस लेने के बाद फिर से ये पानी में डुबकी लगा लेती हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल्स अपनी सांस को 90 मिनट से भी ज्यादा तक रोक के रख सकती हैं, लेकिन जब वो अपनी सांस छोड़ती हैं तो उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2000 गुब्बारों में एक साथ हवा भरी जा सकती है। फैक्ट नंबर 4, आपने अपनी जिंदगी में कई प्रकार की अलग अलग रंगों की मछलियां देखी होंगी और ऐसी सुंदर मछलियों को देख के आप मछलियों के फैन हो गए होंगे, लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी मछली से जो करंट मारती है। इससे मिलिए, यह है इलेक्ट्रिक ईल और ये कोई मामूली मछली नहीं बल्कि एक शॉक मारने वाली मछली है। ये मछलियाँ 8 फीट तक लंबी और 20 किलो तक भारी होती हैं। इलेक्ट्रिक ईल साउथ अमेरिका के अमेज़न और ओरिनोको नदियों में पाई जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक ईल अपनी बॉडी में से 860 वोल्ट तक का शॉक जनरेट कर पाती हैं और ऐसे घातक करंट पैदा करके वो अपने शिकार को चुटकियों में खत्म कर देती हैं। इन मछलियों की बॉडी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं और इन ऑर्गन्स में 60,000 खास सेल्स पाए जाते हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है।
इलेक्ट्रिक ईल की बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स छोटी बैटरीज की तरह ही पावर स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी इन पे खतरा मंडराता है या कोई दूसरा जानवर इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी अपनी बॉडी के सारे सेल्स डिस्चार्ज कर देती हैं और करंट उत्पन्न होने के कारण उनके दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। इलेक्ट्रिक ईल की आंखें बेहद कमजोर होती हैं और वो चीजों की पोजीशन समझने के लिए अपनी बॉडी की बिजली का ही सहारा लेती हैं। वो 10 वोल्ट तक का लो लेवल चार्ज एमिट करके अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपने चार्ज को एक रडार की तरह इस्तेमाल कर लेती हैं। फैक्ट नंबर 5। आप टीवी पर हर आए दिन तनिष्क और पीसी ज्वेलर्स के एड्स देखते होंगे, और ये एड्स देखकर आपको भी सोने की अंगूठी, चेन या इयररिंग्स खरीदने का दिल करने लगता होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुकानों में बिकने वाली ये ज्वेलरी 100% सोने की क्यों नहीं होती? नहीं सोचा ना, मैं बताता हूँ। 100% गोल्ड को 24 कैरेट सोना भी कहा जाता है, और जब आप तनिष्क जैसी दुकानों पर अंगूठी और इयररिंग्स जैसी ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, तो वहां आपको दुकान वाला 100% की जगह 99.95% गोल्ड की ज्वेलरी देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दुकान वाला 0.05% सोना बचा के ऐसा क्या कर लेता होगा? मैं बताता हूँ, 100% गोल्ड बेहद नर्म होता है, और बिना किसी दूसरी चीज मिलाए इस नर्म सोने से आप ज्वेलरी तैयार कर ही नहीं सकते। आपने कई अंगूठियों में डायमंड और दूसरे महंगे स्टोन्स को चिपका हुआ भी देखा होगा। 100% प्योर सोना इन स्टोन्स को ऐसे पकड़ के नहीं रख सकता, और इसीलिए सोने में थोड़ा सा कॉपर, सिल्वर या प्लेटिनम मिला दिया जाता है। तो अब आपको जब भी दुकान वाला 24 कैरेट गोल्ड दिखाए, तो आप समझ जाना कि 24 नहीं बल्कि 24 से थोड़ा कम कैरेट सोना है। फैक्ट नंबर 6। इंसान की जिंदगी का मकसद खुश रहना होता है, और हंसी खुशी के साथ काटी गई जिंदगी सबसे बेहतरीन मानी जाती है। आपने ये पाया होगा कि जब आप छोटे थे तब आप खूब हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी हंसी पर स्पीड ब्रेकर लगने लगे, और आज आपने हंसना जैसे ना के बराबर कर दिया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप हंसी ना आने पर भी अपने चेहरे पर हंसी का दिखावा करते हैं और फेस पर ऐसी बड़ी सी फेक स्माइल ले आते हैं, तो आपकी बॉडी में से एक केमिकल रिलीज होने के कारण आपके ब्रेन को लगता है कि आप खुशी के मूड में हैं, और आपकी बॉडी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। चौंक गए ना? जी हाँ, जब आप अपना चेहरा कुछ इस तरह का हंसता हुआ बनाते हैं, तो चेहरे के मसल्स के इस मूवमेंट से एंडोर्फिन्स नामक केमिकल रिलीज होता है, और यही केमिकल इंसान को खुश रखने के लिए जिम्मेदार होता है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते ही आपका दिमाग समझ जाता है कि आप खुशी के स्टेट में हैं, और आप फिर फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से बेहतर महसूस करने लगते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अभी आप एक नकली हंसी हंस के देखें और खुद की जिंदगी खुशी से भर लें। फैक्ट नंबर 7। आपने कई बार बिल्लियों को इधर उधर घूमते हुए देखा होगा, और जब भी आपकी नजर बिल्लियों पर पड़ी होगी तो आप उनकी पूंछ को हिलता डुलता हुआ देख के बेहद प्रसन्न भी हुए होंगे। बिल्ली की पूंछ बेहद लचीली होती है, और इन पूंछों को देख के ऐसा नहीं लगता कि इनमें एक भी हड्डी होती होगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिल्लियों की बॉडी में पाई जाने वाली हड्डियों में से 10% हड्डियां बिल्लियों की पूंछ में पाई जाती हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, बिल्लियों की पूरी बॉडी में करीबन 244 हड्डियां होती हैं, और इन 244 हड्डियों में से 23 हड्डियां बिल्लियों की पूंछ में होती हैं। मसल्स और लिगामेंट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन पूंछों को एक बेहतरीन लचक देता है, और ये इस लचक से अपनी पूंछ को फिर मनचाहे रूप से हिला सकती हैं। बिल्लियां अपनी पूंछ इंसानों से कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। जब बिल्लियां खुश होती हैं तो वो अपनी पूंछ पूरी तरह ऊपर कर लेती हैं, और ये करके वो अपनी खुशी जाहिर करती हैं। बिल्लियों के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि वैसे तो इनकी स्पाइनल कॉर्ड इनकी पूंछ का हिस्सा नहीं होती, लेकिन अगर किसी बिल्ली की पूंछ को इंजरी होती है तो इनका सीरियस नर्व डैमेज भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इस इंजरी के कारण बिल्ली फिर कभी ना चल पाए। फैक्ट नंबर 8। जहाँ ट्रेन से दिल्ली से बेंगलोर जाने में इंसान को 30 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है, वहीं एरोप्लेन में
तीन घंटे भी नहीं लगते। आपने भी कई बार हवाई यात्रा एंजॉय की होगी और आपको एरोप्लेन में परोसा गया खाना भी बेहद पसंद आया होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 30 साल पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने पैसे बचाने के चक्कर में हर एक यात्री के खाने की प्लेट में से एक ऑलिव का टुकड़ा गायब कर दिया था। चौंक गए ना? जी हाँ, कुछ सालों पहले अमेरिकन एयरलाइंस बेहद आर्थिक संकट में थी और कंपनी पैसे बचाने के लिए कई तरीके अपना रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपने सारे यात्रियों की भोजन प्लेट में से एक ऑलिव का टुकड़ा कम कर दिया तो उन्होंने ये पाया कि साल भर में उन्होंने $40,000 यानी करीबन 30 लाख रुपए बचा लिए हैं। उन्होंने ये भी पाया कि सिर्फ एक ऑलिव के पीस को कम करने पर कोई भी यात्री अमेरिकन एयरलाइंस की ये ट्रिक पकड़ नहीं पाया और इसी तरह उन्होंने कॉस्ट कटिंग करके कंपनी के बैंक बैलेंस में 30 लाख रुपए सालाना की बढ़ोतरी कर ली। फैक्ट नंबर 9। जिस तरह आपकी एक्टिवा पेट्रोल से चलती है उसी तरह आपकी बॉडी खून पे चलती है। खून जिंदगी जीने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है और ये टमाटर की तरह लाल खून ही आपकी बॉडी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी वेट का कितना प्रतिशत आपका खून होता है? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ, इंसानी बॉडी का 7% वेट उसके खून का वेट होता है और अगर आप 75 किलो के हैं तो आपकी बॉडी में करीबन 5 किलो खून दौड़ता है। आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। रेड ब्लड सेल्स ही वो चीज होती हैं जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैला देती हैं। वहीं व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम की रक्षा करती हैं और प्लेटलेट्स ब्लीडिंग होने पर ब्लड क्लॉट करके आपका खून बाहर नहीं आने देती। ब्लड के बारे में एक और मस्त फैक्ट ये भी है कि ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। लेकिन इन सब में से ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के पास है और ए बी माइनस ब्लड ग्रुप सबसे कम लोगों के पास। फैक्ट नंबर 10। आजकल क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स जैसी दुकानों ने इंसान की सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। फिक्शन से लेकर थ्रिलर तक और थ्रिलर से लेकर मिस्ट्री तक आज आप आपकी सारी मन पसंदीदा किताबें एक ही दुकान पर जाकर खरीद सकते हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सारी किताबें खरीदी होंगी और आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी खरीदी गई किताबों का हर एक पन्ना भी पढ़ लिया होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप किताबों को खरीद खरीद के घर पे रख लेते हैं और उनको कभी नहीं पढ़ते तो इस आर्ट को सुंडोकू आर्ट कहा जाता है। चौंक गए ना? जी हाँ, सुंडोकू एक जैपनीज नाम है और ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हर आए दिन दुकानों से किताबें खरीदते रहते हैं लेकिन वो इन किताबों को कभी पढ़ते नहीं और ये लोग सिर्फ अपने घर में एक के ऊपर एक रख के इन किताबों को सजाते जाते हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सुंडोकू एक इंसल्टिंग चीज है लेकिन जापान में सुंडोकू आर्ट को फॉलो करने वाले लोगों को भी उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी इनको ना फॉलो करने वाले को। वैसे क्या आप भी सुंडोकू आर्ट को फॉलो करते हैं? मुझे कमेंट में सच सच बताएं। फैक्ट नंबर 11। आप में से कुछ लोग दिल्ली में रहते होंगे, कुछ मुंबई में रहते होंगे और आप में से कुछ लोगों का घर बेंगलोर में भी होगा। आप भारत के किसी भी शहर या गांव में क्यों ना रहें, आपके आसपास कई सारे पेड़ पौधे होते होंगे और जमीन पर हर जगह पेड़ पौधे देख के आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा हरियाली होने का सबूत भी मिल जाता होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ी प्लांट लाइफ जमीन पर नहीं बल्कि पानी में है। चौंक गए ना? जी हाँ, इस धरती की 85% प्लांट लाइफ समुद्रों में है और बाकी बचे 15% पेड़ पौधे जमीन पर हैं। समुद्रों ने हमारी धरती का 71% हिस्सा ढका हुआ है और इस दुनिया का 97% पानी इन समुद्रों में ही है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारी प्यारी धरती पर जितनी भी लाइफ पाई जाती है उस लाइफ में से 95% लाइफ पानी में ही है और जमीन पर बाकी बची सिर्फ 5% ही जिंदगी है। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि पैसिफिक ओशन की चौड़ाई तो चांद से भी ज्यादा है। जहाँ चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है वहीं पैसिफिक ओशन करीबन 20,000 किलोमीटर वाइड है। फैक्ट नंबर 12।
जब आप बच्चे होंगे तब आपने कई सारे खिलौनों से खेला होगा, लेकिन ऐसे बबल्स बनाकर उनको हवा में उड़ाना आप में से काफी सारे लोगों को बेहद पसंद आया होगा। बुलबुले बनाने के लिए हम एक कटोरी में साबुन का पानी ले लिया करते थे और फिर हवा मार के ढेर सारे बबल्स देख के हम बचपन में बहुत खुश भी होते थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हवा में उड़ने वाले ये बबल्स आपके सर के बालों के मुकाबले कई गुना छोटे होते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, इन साबुन के बुलबुलों की थिकनेस इंसान की बालों की थिकनेस से करीबन 1000 गुना कम होती है। जहाँ इंसान के बालों की थिकनेस 60,000 नैनोमीटर्स होती है, वहीं साबुन के बुलबुलों की थिकनेस 60 नैनोमीटर भी नहीं होती। ग्रेविटी के कारण इस उड़ते हुए बुलबुले को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है और इसी कारण इस बुलबुले की वॉल्स की थिकनेस इसके ऊपरी भाग में सबसे कम और नीचे के भाग में सबसे ज्यादा होती है। वैसे क्या आपने कभी इन बुलबुलों को बनाया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फैक्ट नंबर 13। आज मार्केट में हजारों ब्रांड्स के वेबकैम्स उपलब्ध हैं और इन वेबकैम्स को खरीद के आप स्काइप पे कभी भी कहीं भी अपने घर वालों और दोस्तों से वीडियो चैट कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से डेवलप हो रही है कि अब तो आपके लैपटॉप्स के फ्रंट में ये वेबकैम्स एम्बेडेड भी आने लगे हैं। आज ये सब चीजें आपको नॉर्मल लगती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वेबकैम का आइडिया कैसे आया होगा और पहला वेबकैम किस बेसिस पे डिजाइन किया होगा? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 1991 में कॉफी मशीन रखी हुई थी और इस मशीन को वहाँ के लोग ट्रोजन रूम कॉफी पॉड बुलाते थे। वहाँ पर काम करने वाले लोग अपनी थकान मिटाने के लिए इस कॉफी मशीन में से गरम गरम कॉफी बना के पिया करते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था जब इस कॉफी मशीन में कॉफी खत्म हो जाती थी और इंसान को फिर खाली हाथ जाना पड़ता था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इस कॉफी मशीन के सामने एक कैमरा सेटअप कर दिया गया और अभी कैमरा ऑफिस नेटवर्क के हर एक कंप्यूटर पर उस कॉफी मशीन के लाइव पिक्चर्स देने लगा। ये आइडिया धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गया कि अब इसी कंसेप्ट पर वेबकैम डिस्कवर कर दिया गया और आज इसी ट्रोजन रूम कॉफी पॉट की मदद से हम वेबकैम का मजा उठा पा रहे हैं। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।